तो इतने बड़े बड़े महात्माओं के नाम आ गए इसमें। और आज भैया सभी संसार के जीवों को पता चला, हाँ कहते हाँ भैया चलना तो चाहिए, क्यों इन संसार के लोग होते हैं ना, इन्हें चमत्कार चाहिए। हाँ जहाँ चमत्कार वहीं पर 10-20 बार नमस्कार, हाँ जहाँ पर चमत्कार वहीं राजा भागीरथ ने तीसरी पीढ़ी में आकर अपने पितरों का कल्याण किया। सगर राजा को देख लीजिए, हाँ 60,000 पुत्र हुए, राग के पहाड़ बन गए, कुछ मिला नहीं मिला। अंत में भागीरथ जी आए तीसरी पीढ़ी में, उनका कल्याण किया। तो इसलिए पुत्र पुत्र के चक्कर में पड़ने से कुछ नहीं होगा। आज सुंदर बात सिखाई, पर आज आत्मदेव जी के मन में समझ नहीं आ रहा है। संत बोलते हैं देखो ये पुत्र पुत्र कथा, पर उन मूर्खों को कौन बताए। सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है कि यहाँ पर भागवत कथा हो रही है। हाँ सबसे बड़ा चमत्कार जहां पर कथा हुए वही सबसे बड़ा चमत्कार है, उससे बड़ा चमत्कार क्या है। बोले वहां की भैरी लाल की जय। आज भैया सभी संत बैठ गए और सभी संत आराम से भैया नाच गाने लगे, सत्संग होता बीच में खूब झूम उठते, आराम से भैया सभी संत कथा को श्रवण करने लगे। एवं बदनते दिवी देव समाज मुखिया, आकाश में सभी देवता खड़े हो गए। देव समाज कहता है कि ना भागो को देखिए, भगवान के चरणामृत की पवित्र कथा धारा बह रही है और भैया ये आराम से गोता भी लगा रहे हैं और हमें देखिए, हम तो भैया ऐसी वैसे पड़े हुए हैं। सनकाली चारों भाई भाव की महिमा मुक्त कंठ से गा रहे थे कि उसी क्षण एक दिव्य अलौकिक नाम संकीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी। हाँ ध्वनि कैसे सुनाई पड़ी उसका भी एक कारण है। हाँ ये ध्वनि आ रही कहां से, आज भक्ति माता को पता चला। भक्ति माता कहती है कि नारद जी तुम्हारे पुत्रों के लिए भैया कथा कर रहे हैं तो इसलिए हम क्यों नहीं जाएंगे। आज ये ध्वनि सुनाई दी कि भैया ये ध्वनि कहां से आ रही है, ध्वनि आ रही थी कि भक्ति माता सत्संग कीर्तन करती आ रही थी। हाँ कही थी वहां पर सत्संग हो रहा है और भैया कहने क्या कि क्यों, क्योंकि श्याम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है, कृष्ण से प्रीत लगी उनको भी ये निभाना है। श्याम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है, श्याम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है, कृष्ण से प्रीत लगी उनको भी ये निभाना है, कृष्ण से प्रीत लगी उसको भी निभाना है। सत्संग है ये तो अमृत सागर, सत्संग है तो अमृत सागर, जितना चाहो भर लो सागर, जितना चाहो भर लो गागर, मुक्ति को पाना है सत्संग एक ठिकाना है, श्याम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है, ज्ञान भक्ति की बहती गंगा, ज्ञान भक्ति की बहती गंगा, कर्म योग की मिलती शिक्षा, कर्म योग की मिलती शिक्षा, जीवन को बनाना है सत्संग एक ठिकाना है, शाम से मिलने का सत्संग हरि बोल ठिकाना है, शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है।
सत्संग एक ठिकाना है, शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है, काम क्रोध मधु लोभ छुड़ाए, काम क्रोध मधु लोभ छुड़ावे, काम क्रोध मधु लोभ छुड़ावे, विषयों की आग से बचावे, विषयों की आग से बचावे। यदि कुछ पाना है सत्संग एक ठिकाना है, शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है, कृष्ण से प्रीत लगी उनको भी ये निभाना है, कष्ट से प्रीत लगी उसको भी निभाना है, शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है, सत्संग एक ठिकाना है, भगवती एक ठिकाना है, भगवती एक ठिकाना है, सत्संग एक ठिकाना है, सत्संग एक ठिकाना है। भगवान की भगवान की जय। आज भक्ति मैया आई, आकर सत्संग में आम ताजा थे, कर कर नाचने लगे, नृत्य करने लगे। सभी संत समाज बोला, अरे महाराज जी ये कौन है? नाराजी से बोले, संत कुमार जी से बोले कि ये कौन सी नारी है भैया, है कथा को सुनने नहीं दिया कि बीच में आ गई और थारा थे कर कर नृत्य करने लगी, कौन है ये? तो आज भक्ति मैया ने संत कुमार को प्रणाम किया और पूछा कि प्रभु मैं कहां पर बैठूं, क्यों तो यहां पर सभी सिंहासन भरे हुए हैं, जगह है नहीं, मैं कहां पर बैठूं अपने पुत्रों को लेकर? तो यहाँ पर सभी संत बोलते हैं कि भक्ति से तो तरुणो ग्रहित्वा प्रेम करूपा सहसा वीरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नामानि मधु वदन्ति भक्ति सुतो उतरणोई। आज संत कुमार ने कहा कि भक्ति माता आपके लिए तो एक स्थान उत्पन्न रहेगा, उत्तम है एक स्थान। कौन सा स्थान उत्तम है भक्ति माता के लिए? हाँ, भक्ति माता के लिए कहा कि आप जाओ जितने भी संत महात्मा बैठे हैं सबके हृदय में विराजमान हो जाओ। क्यों? क्योंकि जब तक श्रोताओं के हृदय में भक्ति उत्पन्न नहीं होगी, श्रद्धा भाव उत्पन्न नहीं होगा, तब कथा का रस कैसे पता चलेगा? तो इसलिए आज सभी संत कहते हैं कि ये भक्ति माता है। हाँ, तो इसलिए आज
भक्ति माता को सिंहासन दिया, सभी के हृदय में जाकर आराम से विराजमान हो गई। और जहां पर भक्ति माता विराजमान हो जाती है वहां पर हमारे गोविंद को आना ही पड़ता है। जहां पर भक्ति माता विराजमान हो वहां पर गोविंद को तो आना पड़ता ही। हाँ बोले वहां की भरी लाल की जय। सकल भुवन मधिये निर्धास्ते अपि धन्यानि वसति हृदि येषां श्री हरिर्भक्तिरेको हरिरपि निजलोकम् सर्वधातु विहाय प्रभु सति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपन भगवान की हरि लाल की जय। त्रिभुवन में अगर कोई सुंदर जगह है तो वही धन्य है जिसके हृदय में स्वयं भक्ति महारानी विराजमान हो। क्योंकि भगवान जिस भवन में भक्ति को देखते हैं तो उस भवन में स्वयं वास करने के लिए जाते हैं। जिस भवन में भगवान भक्ति को देखते हैं, जहां पर देखा कि यहीं पर भक्ति नहीं तो वहां पर मैं जाकर क्या करूंगा। और भक्ति माता कब निवास करती हैं? जब हमारे भवन बिल्कुल खाली हो। हाँ अभी तब मकान कोई पहले से बुक हो कराया जा रहा, उसमें पहले से रह रहे हो तो कोई इसमें रहेगा? नहीं रहेगा। पर हम क्या करें, हमारे तो किराए तो पहले तो भैया बिका हुआ है, पहले किराए पर है। क्यों? वे काम क्रोध मद लोभ अहम मत्सर इच्छा छल कपट सभी ने पैसे वैसे ही रूम बना रखे हैं, सभी आराम से रह रहे हैं, तो ये भवन कैसे खाली हो? और जब खाली नहीं है तो भक्ति माता कहां से प्रकट होंगी? जब भक्ति माता प्रकट नहीं होंगे तो गोविंद कहां से प्रकट होंगे? तो इसलिए जितना भी ये किराएदार भरे हुए हैं सभी को बाहर निकालिए, भक्ति माता को प्रवेश कराइए। जब भक्ति माता प्रवेश होंगी तो हमारे गोविंद जबरदस्ती आकर बैठ जाते हैं। हाँ, और आकर बैठ गए तो भैया अवरुद्ध हो जाते, निकलते नहीं है। बैठ गए तो बैठ गए। क्या होता है कि मान लो कि 2 महीने के लिए बैठे, 3 महीने के लिए निकल गए। हाँ ऐसा नहीं, अगर एक बार बैठ गए तो हमेशा के लिए चिपक गए। हाँ एक बार चिपक गए हृदय में तो गोविंद, तो बैठ गए चिपक गए फिर छोड़ने वाले नहीं है। तो इसलिए हमारे हृदय में जितने भी ये गंदगी भरी हुई है इसे बाहर निकालो, देखो गोविंद प्रवेश करेंगे। बोले वहां की भरी लाल की जय। गोविंद ऐसे स्थान पर ही स्वयं वास करते हैं। आज भैया नारद जी ने संत कुमार से पूछा कि आप भैया ये बताइए, भाव तो सुना रहे हो पर से कैसे 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 पापी तट जाते हैं, के विशुद्धि वरम तुम भाव कैसे कैसे पापी तट जाते हैं? हाँ है गोकुल प्रस्थान, तो कैसे कैसे पापी तट जाते हैं? तो आज सभी संत कुमार बोलते हैं कि अत्रति कीर्ति श्याम इतिहास संप्रातनम यस्य स्वर्ण आत्रिण पाप हानि प्रजायते। मतलब क्या? मतलब ये कि नारद जी ने आज मुझे कैसे कैसे पाप उतर जाते हैं। कहते हैं भैया जिसने कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया हो, अंत समय अगर भगवान का नाम लिए तो वो भी तर जाएगा। अगर मान लो किसने जीवन भर लिया ही ना हो, क्या करे बेचारा? जीवन भर नहीं लिया हो तो क्या करे? हाँ अगर उसके नाम अगर वो चला गया है अकाल मृत्यु मारा गया, अकाल मृत्यु मारा गया तो ना भगवान का नाम लिया भूत प्रेत बनकर घूम रहा है। अगर मरने के बाद में उसके नाम से भागवत कराई जाए तो उसकी सहज मुक्ति है। हाँ ये भागवत पहला ऐसा ग्रंथ है जो भैया मरने पर मुक्ति है और जीवित ही मुक्ति। हाँ ऐसा कोई और ग्रंथ नहीं है, मरने पे मुक्ति है, जीवित पे मुक्ति, ऐसा ये पहला ग्रंथ है। किसी को पितृ दोष लग जाए, पितृ दोष का निवारण वैसे छोटा मोटा पंडित जी महाराज बता देते हैं पर आराम से नहीं करते पितृ दोष। हाँ लग गया तो लग गया, हम तो घुसते मकान में तभी देख लेते हैं कि हाँ पितृ दोष है या नहीं है, जाति पता चल जाता है। तो इसलिए पितृदोष में लगा हुआ हो तो बड़ा, अब क्या बोले, बोले वहां की बहरी लाल की सभी को पता है
तो पितृ दोष का जो निवारण है यही भागवत ही है, हाँ, और कुछ नहीं है। तो इसलिए अगर कोई मर जाए काल मृत्यु को प्राप्त हो जाए उसके नाम से कर्म, तब भी अरे प्रभु क्या बोलती हुई आप, हाँ क्या कोई ऐसी इतिहास में कोई कथा है तो कहते हैं हाँ क्यों नहीं है। आज सभी बताते हैं अतृत इतिहास में इतिहास पुरातनम, पुरातनों में इतिहास में कथा है तो प्रभु आप हमें सुनाइए। तो सुनाते हैं कि भैया एक सुंदर नगर है जिसका नाम है उत्तम नगर, वो कहां पर बसा हुआ, तुम भजत टेक तुम भजा तटे पूर्व भूत पतन यत वर्णास्वर धर्मेण सत्य सत करम तत् पर। तो क्या तुम भजत टेक, तुम भजत नाम की नदी है उसे किनारे एक नगर बसा हुआ नाम है उत्तम नगर, नाम है उत्तम नगर, हाँ उसी नगर में सही भैया वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले बड़े सुंदर सुंदर जीव रहते हैं। उसमें एक महाराज जी रहते हैं उनका नाम है आत्मदेव जी, आत्मदेव पंडित जी रहते थे, आत्मदेव शर्मा जी, हाँ आत्मदेव पंडित जी रहते थे भैया जीवन, हाँ कोच खाने पीने के लिए खूब भैया बंगले खड़े हैं पंडित जी महाराज के, हाँ कहने के ऐसे थे। उनकी धर्म पत्नी भी थी, धर्मपति का नाम था धुंधली, क्या नाम था धुंधली, धुंधली देवी था। पतिदेव जितने विद्वान और जितने सुशील स्वभाव के थे ठीक उसके विपरीत उनकी धर्म पत्नी रता रता क्रूरा प्रायसो बहु जल पिका सुराच हृद क्रेयसु कृपणा कलह प्रिया। तो उनके विपरीत बिल्कुल ये इनकी पत्नी से नहीं है, भयंकर झगड़ालू थी, हाँ जब तक पड़ोसी के साथ में लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक कहाँ भैया रोटी हजम हो, हाँ तो ऐसी पंडित पंडितानी जी उसका भोजन हजम ही ना हो, इतना खतरनाक स्वभाव भैया, इधर से उधर चुगली करना इधर से उधर और भैया सीधे साधे लोगों में झगड़ा करवाना, अगर झगड़ा कहीं पर ना हो तो दोनों दंपतियों में आपस में झगड़ा हो जाए तो झगड़ा तो होना ही चाहिए, हाँ इसके बड़े लाभ है, इसलिए वो झगड़ा करती थी। पंडितानी की जैसी सोच गुलवा की वेरी लाल की तो सुंदर झगड़ा भी करती थी। पंडित जी महाराज बेचारे ध्यान न देते, आराम से आए सुबह सुबह स्नान ध्यान किया निकल पड़े, स्नान ध्यान करके आराम से निकल पड़े। पूरे दिन भैया यजमान ने घर काम किया, दोनों समय का भोजन मिल पाता आराम से आ जाते। ऐसे पंडित जी महाराज, पंडित जी महाराज के मन में एक बार बहुत चिंता व्यापी ग्रहम त्यक्त्वा वनम गतः कि पुत्र नहीं है, अरे पुत्र होता घर में आराम से चिंगारता आराम से हंसता खेलता है उधर लेटता मैं उसे धमकाता। इन बातों को याद कर करके पंडित जी महाराज ने सोचा कि भैया जब पुत्र नहीं है तो जीवित रहकर क्या फायदा, हाँ कुछ फायदा नहीं है, आज घर वालों को त्याग कर वनहा गता वन की ओर निकल पड़े। सरोवर किनारे बैठ गए, बड़ी जोर जोर से अश्रुपात करने लगे। उसी मार्ग से संत ने हाथ जोड़कर ब्राह्मण देव से पूछा कि कथम रोदिस विक्रमता कात चिंता वलीयसी वद त्वम सत्वरम महाम ईश्वरस्य दुःखस्य कारणम। तो पूछा हाँ कि हे दुख से कारण आपके दुख का कारण क्या है, आपके दुख का कारण क्या है, आप मुझे इस दुख का कारण बतलाइए प्रभु। आज आत्मदेव जी अपने मन की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं बता रहे हैं। आज ही एकदम से बोले कि महाराज मैं क्या बताऊं कि ब्रवे हम ऋषि दुखम पुरुपापेन संचितम मदिया पूर्वजास तोयम कृणोमुपभूजयति। प्रभु पता नहीं मैंने मेरे बहुत सारे जीवों के बहुत सारे जन्मों के मेरे सभी पाप उदय हो गए, पुण्य नहीं पाप उदय हो गए, पाप उदय ऐसे हुए कि इस जन्म में मुझे पुत्र रत्न प्राप्त न हो सका। संत सोचते हैं कि भी हो
की पराई परछाई भी होती पराई सुख की आस तो जगत बड़ा दुखदाई सुख की आस तो पर छाई भी हो की पराई पर छाई भी हो की पराई सुख की आस तो मेरे भगवान के भय लाले के जय। तो ये जो भजन है हमने आपको सुना दिया, आपने सुखदाई परछाई भी होती पराई परछाई भी होती पराई सुख की आस तो जगत बड़ा दुखदाई सुख की आस तो पर छाई भी होती पराई पर छाई भी होती पराई सुख की आस तो मेरे भगवान के भय लाले के जय। तो ये जो भजन है हमने आपको सुना दिया, आपने सुन